खरगोन जिले में खनन माफिया लगातार नदियों का दोहन करके रेत का स्टॉक करके उचित दाम पर रेत बेच रहे थे, साथ ही छोटे रेत व्यापारियों को परेशान किया करते थे। इसी संबंध में खेरची रेत व्यापारी संघ इन रेत माफियाओं के खिलाफ थाने पहुंचे और उचित कार्रवाई के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान थाना प्रभारी प्रकाश वातकले ने खनिज अधिकारी सावन कुमार के साथ अविनी ग्राम पहुंचकर अवैध रेत स्टॉक का जायजा लिया। खबर लगते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया, जो मौके से रेत को रफा दफा करते देखे गए। इस दौरान खेरची रेत व्यापारियों ने बताया कि राजनीति का सहारा लेकर अवैध रेत माफियाओं द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम पूर्व में भी कर चुके हैं। वहीं थाना प्रभारी और खनिज अधिकारी ने मौके से एक डंपर को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मोना बादरपुरा था, दिनेश यादव ने धंधा उठा के रखा है कि 35,000 रुपए पर व्यक्ति दो। इसके पहले उनने 50,000 रुपए मांगे थे, 50,000 रुपए महीना दे दिए थे। पहले पैसे 50,000 रुपए उसको महीने दे चुके थे, अब 35,000 रुपए महीने मांग रहा है। और तुम रेत पे मशीन चलाओ और रात में मशीन चलाओ, दिन में कोई मशीन नहीं चलाएगा, रात में चलाओ और उसके बाद में जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। और 1100 की जगह भी उन्होंने टोकन का 1300 रुपए मांग रहा है और 2500 रुपए रॉयल्टी मांग रहा है। टोकन का क्या है? टोकन का ये है कारण कि तुम 1300 में टोकन चलाओ, उसके बाद में पकड़ा जाए वाहन तो उसमें तुम्हारी जवाबदारी रहेगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। उनके आदमी जो मार्केट में चल रहे हैं, उनकी जो गाड़ियां चल रही है, बुलेरो चल रही है, टबेरा चल रही है, स्कॉर्पियो चल रही है, उसके जवाबदार तुम रहोगे। प्रशासनिक शिकायत हुई कि नहीं इसकी? हो गई, नाम सही सब हो गई है के आदमी उन सिर पर वाहन रोकेंगे तो वो छोड़ देंगे टोकन देख। और उनने ऐसी कोई वेबसाइट बनाई है मोबाइल पे, जो मोबाइल पे उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट हमको टोकन व्हाट्सअप करते हैं, वो मैसेज करते हैं, मैसेज व्हाट्सअप कर देते हैं। और रॉयल्टी के लिए हमको ई खनिज का रजिस्ट्रेशन होना, तो हम ई खनिज का रजिस्ट्रेशन करवाते तो हमारे पास रॉयल्टी आती है। तो वो टोकन का भी उनने ऐसी वेबसाइट कुछ बना ली है कि वो टोकन भी डायरेक्ट हमको मोबाइल पे मैसेज करते हैं, मैसेज करते हैं, टेक मैसेज कर देते हैं हमको। वो फर्जी वेबसाइट बना के रॉयल्टी भी व्हाट्सअप कर देते हैं। और पहले मैसेज हमारी जो रॉयल्टी का आता है, वो रॉयल्टी का मैसेज क्या डायरेक्ट कंपनी द्वारा कैसा आता है, सरकारी मैसेज आता है पूरा, वो व्हाट्सअप करके वो टोटल व्हाट्सअप कर रहे हैं, एडिट कर लेते हैं। और मेरे यहाँ तक सुनने में आई है रॉयल्टी निकलती है, ये रॉयल्टी है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन रॉयल्टी हमको ये काफी मिलती है हमको ओरिजिनल। ये मोबाइल पे मतलब पहले आती है, ऑनलाइन नहीं निकलेगी, काफी निकलेगी। ड्राइवर को मैसेज मिलता है उसके बाद में ये काफी वो कंप्यूटर से निकाल के देते हैं। क्या नाम है आपका? अभी कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया था कि सर ये नगर पालिका की जमीन के पास में अवनी ग्राम में कुछ मतलब की लोग अवैध रूप से मतलब स्टॉक करके बेचते हैं। इसी संबंध में TI कोटवाली साहब के पास कुछ लोग शिकायत करने के बाद गए, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, बोले कि एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग थाने पे गए, उसके बाद हम लोग यहाँ आए, देखा है कि यहाँ पर हमने पहले से परमिशन दी है, तो एक बार उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलत निकलता है, जाँच में गलत आता है, तो उसमें ज़रूर कार्रवाई होगी। उन्होंने अभी कुछ लोगों के द्वारा जो है अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इस संबंध में आवेदन पत्र दिया है और अवैध भंडारण के संबंध में शिकायत की है। तो हम लोग माइनिंग वालों को इसका सूचना दे करके और संयुक्त कार्रवाई करेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।